देखिए जहाँ तक प्रॉफिट की बात है तो पहले मैं इनपुट की बात करती हूँ हमें शुरुआत कितने बेड से करनी चाहिए इकट्ठा करके अगर आप चीज़ें करते हैं तो आपको हंड्रेड परसेंट बीस पच्चीस लाख तो छोटी रकम है इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं वर्मी कंपोस्ट के टेंडर्स बहुत निकलते हैं सरकार भी वर्मी कंपोस्ट खरीदती है तो वो आप टेंडर फिल कर सकते हैं टेंडर के लिए आपको अपना प्रोडक्शन ही बड़ा दिखाना और प्लस तीन साल पुरानी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए क्योंकि अभी ये साइज़ में भी थोड़ा बड़ा हो गया है प्लस इसके ऊपर अंडा डेवलप होना धीरे धीरे शुरू होगा जी जितना मैं एक नौकरी में कमाती उससे तो बहुत ज्यादा मैं ऑलरेडी कमा रही हूँ एक फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे मिली है और मैं खुश इस चीज को लेकर हूँ कि मैं अपने मन की मालिक हूँ जब जो जैसे मुझे करना होता है वैसे मैं करती हूं। राम राम भाइयों के हाल साथियों आज मैं आया हुआ हूँ मेरठ में एक वर्मी कंपोस्ट के प्रोजेक्ट पे ये प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि मात्र अभी आप देख रहे हैं एक एकड़ एक के अंदर यहाँ पे सालाना 25 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं जो यहाँ के मालिक हैं सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में तो सबसे पहले आपको फार्म के मालिक से ही मिलवाते हैं जी नमस्कार राम नमस्कार, राम नमस्कार राम राम जी मैं पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगी आप यहाँ आए हैं और आपके दर्शकों से आप हमें मिलवा रहे हैं जी तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आ, मेरे किसान भाइयों और बाकी सभी को मेरा नमस्कार आ, मेरा नाम पायल अग्रवाल है मैं मेरठ में वर्मी कंपोस्टिंग करती हूँ मेरे गाँव का नाम गाँव दत्तावली है जो की गढ़ रोड पर स्थित है यहाँ पे आप जो वर्मी कम्पोस्ट का ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई देखिए सबसे पहले मेरे पास लगभग पांच ही बेड थे और मेरे एक भैया हैं उनकी एक जमीन थी छोटी सी जहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंटल तौर पे पांच बेड लगाए तो मुझे इस काम में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा ये किस फिर... साल की बात हो रही है ये लगभग 2016 या 17 ऐसे ही मतलब शौकिया जैसे लोग अपने गार्डन में लगा लेते हैं उस तरह से और उसके बाद में मैंने एक एकड़ की जमीन ली थी गांव दतावली में ही तो वहाँ एक एकड़ की जमीन पे 200 बेड के आसपास मेरे पास थे एक कच्चा कमरा था तो वहाँ से मैंने शुरुआत किया मेनली उस एकड़ की जमीन पे तीस बेड से मैंने शुरुआत की थी और धीरे धीरे करते करते वो पूरी जमीन दो बेड उसने कवर कर लिए थे उसके बाद में मैंने वहाँ से यहाँ पर आके शुरू किया है तो यहाँ पर लगभग चार सौ साढ़े की कैपेसिटी है आपने पढ़ाई कहाँ तक तो क्या कर रखी है <laughs> मैंने 2012 से लेकर 2016 तक बीटेक किया है अच्छा जी। कंप्यूटर साइंस बीटेक हूँ ही बीटेक के बाद में uh, मेरे सभी दोस्तों की तरह मैं भी काफी इंटरव्यूज दे रही थी uh, कि... इंटरव्यूज किस चीज़ के जॉब्स के, 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 लिए अच्छा जॉब के लिए जॉब्स के लिए इंटरव्यू दे रही थी और फिर धीरे धीरे मेरा थोड़ा सा रुझान जो है सरकारी नौकरी की तरफ गया अच्छा। तो मैंने काफी प्रेपरेशन की जैसे कि बैंकिंग सेक्टर की और भी काफी मैंने पेपर दिए तो उन सब पेपर वो होता है एक समय लगता है इस पूरे प्रोसेस में कभी कभी तीन साल कभी चार साल कभी इससे ज्यादा भी लग जाता है जी। तो वो पेपर देते देते एक समय मुझे महसूस हुआ कि ये काफी लंबा समय हो रहा है मुझे कुछ कमाने की तरफ भी सोचना चाहिए तो मैंने कुछ जो स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें कम पैसों में हम कुछ कमा सकते हैं तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट मैंने करना शुरू किया जिसमें एक दो प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया जिस प्रोजेक्ट से मुझे ज्यादा अट्रैक्शन फील हुआ वो वर्मी कॉम्पोस्ट था उसके कई कारण हैं कम पैसों से शुरू होने वाला काम है गोबर उस समय पे मैंने नोटिस किया कि काफी फेंका जा रहा था और बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करने के साथ साथ जब मैं न्यूज पढ़ती थी तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी है वो मैंने नोटिस किया कि थोड़ा वीक है और थोड़ा में उस पर अगर आज का युवा उस पर काम करेगा तो वो काफी आगे जा सकता है अच्छा जी। जो मैंने तीस बेड आपको बताए थे वो मैंने सबसे पहली जमीन जहाँ हमने किराए पे ली थी एक एकड़ की इसी गांव में वो जमीन है जी आ, वहाँ पर हमने तीस बेड लगाए थे तो लगभग साढ़े चार साल से मैं वर्मी कंपोस्टिंग कमर्शियल लेवल पे ही कर रही हूँ अच्छा तो वहाँ पे आपने कितने एरिया में शुरू किया था एकड़ जमीन थी और कितने टाइम तक वहाँ पे करा लगभग दो ढाई साल दो ढाई साल यानी कि 2019 हजार उन्नीस के बीच उसके में आपने उसके बाद कर? में मैंने ये जमीन ली है ऐसा क्यों वहाँ पे भी एक एकड़ की जमीन थी अच्छा काम चल गया था वहाँ पे भी एक्चुअली उस जमीन पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी वो मेन रोड से कनेक्टेड नहीं थी एक चक रोड थी कच्ची हुँ? जो सड़कें है? होती हैं और उसके बाद में वहाँ बिजली का थोड़ा प्रॉब्लम था तो अच्छा। पूरा जनरेटर पे कोई बड़ा ट्रक अगर आना है तो बारिश हो गई तो वो अंदर ही फंस जाएगा बाहर मेन रोड तक नहीं जा पाएगा और साथ में पानी का यहाँ पे ट्यूबवेल है मैंने ट्यूबवेल से ही छोटी लाइन ले ली है अच्छा तो इसके अंदर मीठा पानी या खारा पानी जैसे खेती में फर्क पड़ता है बागवानी में खारा पानी नहीं चलता बहुत सी चीजें इसमें पी एच और टी डी एस वगैरह अच्छा हुँ। चाहिए हुँ। वर्मी कंपोस्ट के अंदर क्या मीठा पानी ही चाहिए खारा पानी में भी हो सकता है देखिए वर्मी कंपोस्ट हो किसी भी पानी में सकता है फिर आपने 2020 में ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाया वहाँ से साइड चेंज करके वो वाला एक एकड़ का था ये वाला कितने एकड़ का प्लॉट लगभग ढाई एकड़ जमीन है ये ढाई एकड़ जमीन है और यहाँ पे 400 बेड कैपेसिटी है जिसमे हाँ, से अभी आपके 300 बेड बेड हाँ, में 300 कभी साढ़े तीन कभी सवा तीन ऐसे रहते हैं अच्छा ठीक है ये बेड की आ, लेंथ और विर्थ क्या रखी है आपने देखिए हम जनरली स्टैंडर्ड 30 फीट लेते हैं जनरली स्टैंडर्ड 30 फीट बाय चार फीट चार फीट का है हाँ. एक बार बेड बन गई इसके बाद आई डोंट थिंक इसको कुछ करना इसको आप मूव नहीं कर सकते कम से कम ढाई महीने तक तो इस पे कुछ नहीं हो सकता ठीक है कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है देखिए जहाँ तक प्रॉफिट की बात है तो पहले मैं इनपुट की बात करती हूँ हमें शुरुआत कितने बेड से करनी चाहिए प्रॉफिट्स क्योंकि आपके इनपुट पर डिपेंडेंट होते हैं कहने का मतलब सबसे पहली बात तो कमर्शियल लेवल पर जब आप काम शुरू करें तो एक एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि एटलीस्ट पच्चीस से तीस बेड से शुरुआत करें साल में ये चार गुना हो जाते हैं अच्छा बहुत में चार गुना हो जाता है चार गुना हो जाता है यानी कि जो 25 बेड है वो 100 हो जाएंगे जी बेड के लिए आपको कितनी जगह चाहिए एक बीघा जगह काफी है एक बीघा जगह मोर देन इनफ है आधे बीघे के अंदर भी आप पच्चीस कर सकते हैं बट थोड़ा हॉच पौच हो जाएगा खुला खुला करके एक बीघे के अंदर पच्चीस बेड से चालू कर देते हैं जी तो आपका साल के अंदर सौ बेड हो जाएगा पच्चीस बेड के इकोनॉमिक्स के बारे में आप बता रहे थे हाँ, हमने पच्चीस बेड से शुरुआत की तो सबसे पहले आपके नीचे पन्नी लगती है देखिए ये जो पन्नी है ना ये आपको रोल के फॉर्म में आती है उसको काट कर हम बेड्स बनाते हैं अच्छा एक पन्नी का जो हमने यहाँ बिछाई हुई है उसपे दो बेड बने हुए हैं हाँ। यानी कि ऐसे सिक्स पेयर आपके कटते हैं एक रोल से ठीक है तो ये पच्चीस बेड में हमारे को पन्नी का कितना खर्चा आ जाएगा जी दो रोल्स लगते हैं टोटल एक रोल में आपके बारह बेड बनते हैं यानी कि छह पेयर बनते हैं आप ये मानिए लगभग तीन हजार रूपए का एक रोल आएगा जिसमें आपके बारह बेड यानी कि छह पेयर रेडी हो जाएंगे ठीक है तो पच्चीस बेड में आपको दो रोल्स का खर्चा आएगा वो है लगभग छह हजार रूपए ठीक है छह हजार रूपए का हमारा पन्नी का कॉस्टिंग आएगा जो लाइफ आपको दस साल तक की भी दे देगी दे अगर आप मेंटेन करके इसे करके रखेंगे तो, तो पन्नी में कुछ खराब होने वाला है नहीं पन्नी बिछाने से भी पहले आप ये जो जमीन है नीचे इसको लेवल किया जाता है होनी चाहिए उसके चारों तरफ आप चाहे तो ईट रखवा सकते हैं ईंटों की कॉस्टिंग बढ़ती है चोरी भी हो जाती है मेरे साथ हुआ है ये पहले अच्छा तो मैंने जमीन पर ही मिट्टी की मुंडेर बनवा ली जब आप बेड फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो मिट्टी की मुंडेर बना लीजिए जहाँ आपकी समतल जमीन है समतल जमीन के चारों तो तरफ आप मिट्टी की मुंडेर बनाइए इस तरह से ठीक है और मिट्टी की मुंडेर बनाने के बाद में आप इस जमीन पर जो है पन्नी बिछा लीजिए पन्नी आपने बिछा ली पन्नी बिछाने के बाद इसके ऊपर आपको गोबर डालना है तो फार्म लेआउट के बारे में बताएंगे मान लीजिए ये आपका पूरा फार्म है जी ये आपकी रोड है जो एंट्रेंस है मतलब ये कनेक्टिविटी है शुरू में ये मेन रोड है और ये आपका एकड़ हो गया हाँ जी हाँ जी ये आपका एक, एक एकड़ हो गया ये आपकी एंट्रेंस है अब आप क्या करेंगे कि ये ये पूरा एरिया आपको नापना है मान लीजिए यहाँ आपने थर्टी किया यहाँ आपने थर्टी फीट के बेड बनाए जो भी आपका बीच में एरिया बच रहा है उसमें लगभग लगभग हमें बारह फीट का एक रास्ता छोड़ना होता है यहाँ पे फिर हम इसको इस रास्ते को तो कनेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे से अगर वो आपका ट्रैक्टर जाएगा तो ट्रैक्टर जाने के बाद में वो इन सारे बेड्स के लिए जो यहाँ पर बन रहे हैं उनके लिए तो गोबल यहाँ छोड़ देगा पर वो वापस मोड़ नहीं पाएगा जी। तो उसके लिए हम एक यू शेप रास्ता देते हैं इस तरह से यहाँ पर और यहाँ पे भी बेड्स देते हैं अच्छा उसके बाद में बीच में या तो आप एक लंबा बेड बनाएंगे या फिर दो छोटे बनाएंगे ठीक है तो हम लंबा भी बना सकते हैं अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे पचास फीट या साठ फीट की जगह बच रही है तो आप यहाँ पे लंबा बेड बना सकते हैं बट उस केस में कभी कभी केचुआ चल के इतना आगे आ जाता है कि, कि किसी एक एरिया में खादी नहीं बनती है तो आप छोटे दो बेड बनाइए अच्छा इस, इस पे भी गोबर जैसे इस वाले बेड्स के लिए गोबर आप यहाँ रास्ते से छोड़ रहे हैं उसी तरीके से इसी रास्ते पर इन वाले बेड्स के लिए छोड़ेंगे वेरस जब आप आगे आके यू टर्न लेके इस रास्ते पर आएंगे तो आप यहाँ पर दोनों बेड्स के लिए रास्ता छोड़ेंगे यानी कि आप इधर वाले सेक्शन ये में वाली जो रोड होगी ये इधर और इधर की देख हाँ जी। ये, और वाली ये वाली, वाली जो रोड है इधर वो इधर और और इधर और इधर के, 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 के बेड्स के लिए अब मैं आपको कैमरा को इधर घुमा के दिखाता हूँ तो ये देख लीजिए वो जो रोड है मेन कनेक्टिंग रोड है वहां से ये खेत शुरू हो रहा है एक लाइन यहाँ छोड़ रखी है तीस फीट की वहाँ बेड है फिर तीस फीट की यहाँ बेड है फिर वो हमारा ट्रैक्टर जो है वो आखिर से यू घूम के एक रोड उस तरफ है वो वाली रोड पे भी वो एक उधर का देख लेगा पैच और एक इधर का देख लेगा बीच में जो ये साठ फीट जगह है यहाँ पे तीस तीस फीट के दो आ गए तो ये एक बेसिक फार्म लेआउट है जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप पच्चीस से अभी चालू कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक साल के अंदर वो सौ बेड पे हो जाएंगे जमीन तैयार होगी पन्नी बिछा ली अगला क्या प्रोसेस रहेगा और उसमें क्या कॉस्टिंग आ जाएगी देखिए पन्नी जब आपने बिछा ली उसके ऊपर आप गोबर के बेड बनाते हैं एक पन्नी के पैच पे दो गोबर के बेड बनेंगे हाँ जी लगभग हम मान के चलते हैं एवरेज जो है तीस बाई चार के बेड में पंद्रह सौ किलो गोबर लगता है ठीक है पंद्रह सौ किलो को गोबर का जो ये आपने बेड बनाया है ये मान लीजिए लगभग आपको छह सौ ऐसी सात सौ कभी कभी साढ़े सात सौ रूपए का ये गोबर आपको एक बेड में पड़ता है तो यानी की ये दोनों को मिलाकर आपको पंद्रह सौ के आसपास दोनों बेड में गोबर लगेगा चल जाएगा जी पंद्रह से सत्रह हजार के बीच में हमारा पच्चीस बेड का ये कॉस्टिंग आ गई सबसे पहले हमारी छह हजार पन्नी की कॉस्टिंग थी अब हमारी ये पंद्रह हजार कि इक्कीस हजार कॉस्टिंग आ गई कॉस्टिंग के बाद और क्या हमारी इन्वेस्टमेंट देखिए गोबर की कॉस्टिंग बनाने के साथ साथ ना लेबर की भी कॉस्टिंग लगाई है तो आप मान के चलिए पच्चीस बेड बनाने में चार से पांच लोग लगेंगे और जिन्हें दो दिन लगेंगे अच्छा तो इसकी आप अपने एरिया के हिसाब से लेबर जो दिहाड़ी होती है वो जनरली दो ढाई सौ रूपए है बट दो ढाई सौ से कभी कभी चार सौ रूपए भी जाता है पच्चीस सौ रूपए आ जाएगी ज्यादा से ज्यादा हाँ। वो देख लेना आपके यहाँ पे दिहाड़ी का क्या रेट चल रहा है हमने बेड बना दी इसके बाद क्या रहेगा जब आप गोबर का बेड बना लेते हैं उसके बाद में इसके ऊपर अब ये बेड तो तैयार हो गया इसके ऊपर केचुआ डाला जाता है जी। तो जो ये केचुआ आप डालेंगे वो किस हिसाब से डालेंगे ये तीस फीट लंबा जो बेड है उस पे तीस किलो केचुआ डलता है जी तीस किलो किस हिसाब से लगाएंगे तीस किलो मतलब लगभग तीस हजार वो केछुआ डालने की बात करें हाँ तो उसमें मेरे दो सवाल है सबसे पहले पच्चीस बेड में कितना केचुआ लग जाएगा ये तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तीस हाँ। के जी इंटू पच्चीस यानी की साढ़े सात सौ किलो केचुआ खरीद के लाना है हाँ जी तो साढ़े सात सौ किलो केचुए की क्या कॉस्टिंग होगी और लेते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखें क्या ध्यान आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि केचुए का जो सरकारी रेट है वो लगभग तीन सौ रुपए है जी। पर लोग बाहर क्वांटिटी और अलग अलग हिसाब से अलग अलग तरीके से बेच रहे हैं अच्छा अभी जैसे इसमें आप देखेंगे कि ये जैसे वॉर्म्स हैं जी जी तो ये आप अगर इस वॉर्म को ध्यान से देखते हैं तो ये यंग वॉर्म है क्योंकि अभी ये साइज में भी थोड़ा बड़ा हो गया है प्लस इसके ऊपर अंडर डेवलप होना धीरे धीरे शुरू होगा जी आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप लेने जाएं जैसे केचुए मैंने दिखाए ऐसे लगभग हजार केचुए आपको एक किलो में अच्छा तो आप गिन सकते हैं जी डेंसिटी लगभग लगभग आप मान के चलिए कि आपको इतनी मिल जाए कि आपको पता चल जाए कि हाँ इतना अप्रोप्रियट है लेट से अगर ये ये इतनी अगर मैं क्वांटिटी लेती हूँ आप देखिए इतने इतने सी वैरायटी में कम से कम मेरे पास दस से बारह के चू हैं ये अंडे तो, अलग से हाँ ऐसा मिश्रण अगर आपको मिल रहा है लेट से थर्टी के जी फोर्टी के जी टेन के जी में ऐसा मिश्रण अगर आपको ओवरऑल मिल रहा है तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल अप्रोप्रियट है अच्छा बाकी आप कहीं से भी ले सकते हैं हाँ और किसी वर्मी कंपोस्ट यूनिट से ले सकते हैं केवी के से ले सकते हैं जहाँ आपको संतुष्टि हो और आपको लगे कि आपको वहां पे आफ्टर सेल्स मिलेंगी सरकारी रेट तीन सौ रूपये डेढ़ सौ में आपने अभी कहा पचास रूपए में भी अस्सी रूपये में भी सौ रूपए में भी तो इट टोटली डिपेंड्स कि वो व्यक्ति कितने में बेच रहा है मैंने आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ कितनी क्वान्टिटी है ये मैराज मेरे हिसाब से एक सस्टेनेबल रेट जो होना चाहिए वो वन टू टू के बीच है आप ऐसे मान लीजिए कि एक बेड में आपका तीस किलो केचुआर जैसे डलना है तीस किलो को आप गुणा कीजिए दो

तो जो आप जितना भी केंचवा लाएंगे एक साल के अंदर अंदर वो चार गुना हो ही जाएगा तो अगर आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है लो बजट में करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पेशेंटली रह के ये केचुए की कॉस्टिंग को भी काफी कम ला सकते हैं फिलहाल पच्चीस बेड के लिए अभी तक हमारी कॉस्टिंग में डेढ़ लाख रुपए जुड़ चुके हैं अगली क्या कॉस्टिंग आएगी इसके अंदर पराली की कॉस्टिंग आपकी अगली है मतलब बेड आपने बना दिया गोबर डाल दिया सबसे ज्यादा जरूरी है उस पर थोड़ा पानी का छिड़काव करके आप इसके ऊपर पराली ढक दीजिए तो जो पराली आप ढक रहे हैं इसके ऊपर ये लगभग एक रुपए किलो से लेके दो रुपए ढाई रुपए किलो अलग अलग प्राइस में अवेलेबल है पच्चीस बेड पे मुश्किल से आधी ट्रॉली पराली भी नहीं लगेगी पराली हमने लगा दी इसके बाद अब हमारा कोई इसके ऊपर क्या कॉस्टिंग रहेगा फिर आगे रिटर्न कितना आएगा ये तो आपका बेड तैयार हो गया इसके बाद में रेगुलर में इसकी मेंटेनेंस होगी मेंटेनेंस पे कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो डेली बे, इस बेड की पराली हटाए हाथ डालकर बेड को चेक करे ठंडा है गर्म है केचुए साइड में जा रहे हैं डले तो नहीं बन रहे हैं ऊपर सूखा है या अंदर नरम है अंदर गर्म है कहाँ आपको जैसा भी लगता है उसके हिसाब से आप डिसीजन लें आपको पानी डालना है डालना है तो कितना डालना है कम डालना है ज़्यादा डालना है एक बार पानी अगर आपने डाल दिया तो वो छिड़काव होता है मतलब जैसे बारिश होती है तो उसी तरीके से हम पाइप से पानी डालते हैं थोड़ा सा उसको इस तरह से डालते हैं कि वो छिड़काव के तौर पे हो उसके बाद में जब पानी साइडों से निकलने लगे तो रुक जाइए थोड़ी देर बाद में दोबारा चेक कीजिए कि बेड के अंदर गर्मी अभी भी बनी हुई तो नहीं है कम से कम आधे घंटे बाद तो इस तरह से उसका मेंटेनेंस होता है मेंटेनेंस में मेनली पानी का ही मेनली पानी का ही ध्यान रखना और कब तक ध्यान रखना है लगभग बीस से पच्चीस दिन बीस से पच्चीस दिन रेगुलर वाटरिंग रहेगा रेगुलर वाटरिंग रहेगी एक एक दिन छोड़ के भी हो सकती है मौसम पे डिपेंड करता है अगर हवा अच्छी है मत डालिए पानी अगर बारिश हुई है तो भी मत डालिए पानी अगर आप गर्मी ज्यादा है तो, जाद 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 है तो, तो पानी डलेगा और हो सकता है एक बार के पानी डलने में आपकी पूर्ति ना हो आपको दो बार डालना पड़ेगा साथ में जब आप पानी डाल लेंगे तो आपको चेक जरूर करना है कि बेड हमारे ठंडे हुए हैं या नहीं कई बार हमें लगता है बेड गीला हो गया पर एक्चुअली में बेड के अंदर तक तो पानी गया ही नहीं है यार इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसने साइड करो हाथ अंदर डालो और ठंडा है तो पता लग जाएगा दो महीने तक आपको रेगुलर में बिल्कुल आप खुद कर रहे हो तो कोई लेबर कॉस्टिंग नहीं लग रही है आपने कोई लड़का रखा हुआ है तो उसकी जो भी मंथली पगार होगी वो आप जोड़ लो अपने पच्चीस बेड्स के प्रोजेक्ट में तो ये आपका प्रोजेक्ट का कुल मिला के एक लाख पिछहत्तर हजार से नीचे का पड़ेगा पच्चीस बेड का जो आपको आगे केछवा भी देगा और सौ बेड भी बना सकता है अब इसमें और इस बेड से खाद निकलेगी आप खाद भी बेचिए बेड को बढ़ाते जाइए जैसे जैसे आपका केचुआ बढ़ता जाए आप ऑप्टिमाइज कीजिए मार्केट क्रिएट कीजिए आप छोटे ही लेवल से अपने काम को बढ़ा सकते हैं ठीक है। और जैसे कि मैं बता रही थी कि 25 दिन तक आप पानी डालेंगे एक लेयर हार्वेस्ट करने के बाद दोबारा से आप पानी डालेंगे उसी की प्रक्रिया चालू रहेगी फिर तीसरी बार आप हार्वेस्ट करेंगे मैं हम लोग कोशिश ये करते हैं कि मोर देन थ्री हार्वेस्ट हम ना करें क्योंकि हर हार्वेस्ट पे आपका लेबर का खर्चा होता है तो आप इस तरीके से उसे ऑप्टिमाइज कीजिए कि तीन हार्वेस्ट में आपका पूरा बेड खत्म हो जाए ठीक है तो ये 25 बेड के अंदर हार्वेस्टिंग के अंदर कितनी लेबर लग जाएगी देखिए पच्चीस बेड में जैसे बनाने में लगी थी वैसे ही निकालने में लगेगी तो वही आपका ढाई हजार दो हजार तीन हजार रूपए हार्वेस्टिंग का लेबर पे खर्चा और आएगा दो महीने के बाद इसमें से हमें हार्वेस्ट कितनी मिलेगी की देखिए एक बेड से जैसे हमने पंद्रह सौ किलो गोबर डाला था उससे छह सौ किलो हमें खाद का रिटर्न मिलेगा छह सौ किलो खाद के अलावा आपको जो वॉम्स हैं आपके फर्स्ट साइकिल में वॉर्म्स नहीं एकदम डबल होते हैं इसीलिए मैंने आपको साल का कैलकुलेशन बताया एक साल में लगभग चार गुना होते हैं है। इस जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो ये अंडा उतना नहीं देते हैं है। बारिश के मौसम से फरवरी तक जनवरी तक फरवरी तक ये अंडा देते हैं इनके लिए भी जब वातावरण अनुकूल होता है तब ये लोग ज्यादा में होते हैं ज्यादा अंडे पैदा करते हैं बच्चे निकालते हैं बहुत ज्यादा धूप होती है बहुत ज्यादा ठंड होती है तो ये नहीं, नहीं देंगे की कम जी, हो जाती है की प्रोडक्शन कम हो जाती है, खाद उसी तरीके से बनती रहती है छह सौ किलो के हिसाब से आपका पच्चीस बेड में कितना टोटल हार्वेस्ट आ जाएगा अठारह टन अठारह हजार अथार किलो हजार किलो अठारह हजार किलो इसके अंदर से आपको प्रोडक्शन मिलेगी तो अठारह टन के अंदर पहली हार्वेस्ट में बल्क में कितना रेट मिल जाएगा और आप कितने तक इसमें सेल कर देखिए एक किलो छह रूपए के हिसाब से होगा हाँ, अठारह हजार किलो गुणा छह करेंगे आप तो लगभग आपको एक लाख से ऊपर की खाद बैठेगी एक लाख दस हजार एक लाख के बीच के अंदर आपकी ये पहली हार्वेस्ट निकलेगी जिसमें आपने एक लाख अस्सी हजार खर्चा किया था जी। अब इसको हम साल में देखें तो हमारे को एक साल के अंदर कितना रिटर्न मिल जाएगा देखिए साल में आपको रिटर्न इस हिसाब से मिलता है ये बेड अगर आपके साल में चार गुना हो जाता है पच्चीस गुना सौ तो आपका जो एक लाख रुपए का खाद था वो आपका वो भी मल्टीप्लाइड बाई फोर हो गया प्लस, प्लस आपके वॉर्म जो उस पर आपने कोई खर्चा किया ही नहीं है जी, 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 तो जी, इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन चलती है अच्छा तो एक तरीके से आप मान लीजिए साल के एंड होते होते आपके पास चार से पांच लाख की तो वर्मी कंपोस्ट होगी जो वो बिकेगी उसी के साथ साथ आप मान लीजिए कम से कम भी तो चार से पांच लाख का केचुआ भी बेड में तैयार हो जाएगा बिल्कुल। जिसको आप चाहें तो बेच सकते हैं। अगर कोई खरीदार है कोई नया किसान है जो आपसे लेके अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहता है नहीं तो आप अपने ही बेड को सौ से अगले साल दो सौ में लेके जा सकते हैं तो खर्चा हुआ एक लाख अस्सी हजार और आपको प्रॉफिट इसी के अंदर से दस लाख के करीब आप अचीव कर सकते हैं अगर आपका सब कुछ सही से जाता है लेकिन नॉलेज होनी चाहिए जी आपने यहाँ पे चार सौ बेड की कैपेसिटी का प्रोजेक्ट लगा रखा है यानी कि जहाँ सौ बेड के अंदर पांच लाख के करीब की सेल हो रही थी आपका तो उससे भी पांच गुना और ज्यादा ही है जी। इतना ज्यादा आप हार्वेस्ट करने के बाद सेल कहाँ पे और कैसे करते हैं मैं मेनली किसान को ही टारगेट कर रही हूँ और ये सारा का सारा खाद नियर बाई किसान हो गए आपके आपका हिमाचल हो गया या फिर आपका इधर यूपी में हो गया अभी आलू की बेल्ट में भी काफी डलने लगा है जो बागवानी करते हैं सेब वगैरह आम वगैरह वहाँ पे काफी डलता है और जो फूल की खेती करते हैं वहाँ पे भी डलता है तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए उनमें भी डलता है तो इस तरह के जो भी जो किसान हैं वो खरीदते हैं इसे अगर बात करूँ वर्मी कम्पोस्ट प्रोजेक्ट लगाना वर्सेज मार्केट करना जी ज़्यादा मेहनत का क्या है देखिए दोनों में अपने अपने अलग चैलेंजेस हैं तो दो चैलेंजेस को हम कंपेयर नहीं कर सकते ये तो है मेनली अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग की तो आपको अगर पता है आप मार्केटिंग पर्सन है मार्केटिंग का जो आदमी होता है जो मार्केटिंग करते हैं जिन लोगों को उसकी नॉलेज होती है उनको पता होता है कि सौ में से कई बार ऐसा हो सकता है कि कि लोग राजी हो कई बार ऐसा भी होगा कि सौ में से सौ लोग आपके प्रोडक्ट की बुराई भी करेंगे और आपको नहीं भी खरीदेंगे या आपको मौका भी नहीं देंगे पर इससे आपको ना कभी भी डिसहार्टन नहीं होना होता है तो पर मैं पर्सनली कहूंगी कि मार्केटिंग अपने आप में काफी टीडियस चैलेंज है और बनते बनते बनता है एक से ग्राहक जुड़ते जुड़ते बढ़ते हैं नेटवर्किंग पूरी बनानी पड़ती है और मिनिमम और ग्राहक सिर्फ बनता है क्वालिटी से हाँ क्वालिटी देते रहेंगे और मिनिमम तीन साल मार्केट एस्टेब्लिश करने, करने में लगता है पच्चीस लाख के करीब क्या चार सौ बेड से अर्निंग हो सकती है कुल हो सकती है क्यों नहीं हो सकती है देखिए पहली चीज तो ये आप खाद जो है होम ग्रोन इंडियन मार्केट में बेचिए आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बहुत सारे देशों से इंडिया में डिमांड आ रही है जो चीज छह रुपए में बिक रही है वो दूसरे देशों में पंद्रह रूपए बीस रूपए पच्चीस रुपए में भी बिक रही है और डिमांड बहुत ज्यादा है कि अगर आपको कोई बायर पकड़ में आ गया तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 400 छोड़िए 4000 बेड से भी उनको पूर्ति ना कर पाए ऐसे लोग हैं इंडिया में ही हैं अगर आप इसको थोड़ा और बड़ा कर लें तो वर्मी कंपोस्ट के टेंडर्स बहुत निकलते हैं सरकार भी वर्मी कंपोस्ट खरीदती है तो वो आप टेंडर फिल कर सकते हैं टेंडर के लिए आपको अपना प्रोडक्शन ही बड़ा दिखाना और प्लस तीन साल पुरानी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए काफ़ी सारे नॉर्म्स होते हैं तो इस तरह से आप करेंगे अगर मतलब इकट्ठा करके अगर आप चीज़ें करते हैं तो आपको हंड्रेड परसेंट बीस पच्चीस लाख तो छोटी रकम है इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आईटी सेक्टर में आज भी जॉब कर रहे हैं और हर काम की एक अपनी वैल्यू होती है रिटर्न्स होती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम उन्होंने अपने टाइम से जब भी बीस पच्चीस हजार रुपए की नौकरी से शुरू किया धीरे धीरे लोग आज एक लाख रुपए भी कमा रहे हैं महीने के जी महीने अच्छा, के तो एक लाख रूपये भी कमा रहे हैं साल के बारह लाख रूपए हो गए उसके साथ में फिर बहुत सारे टैक्सेशन इन्वॉल्व होते हैं प्लस उनके वर्किंग आर्स फिक्स नहीं होते और सब लोग अपनी मर्जी के मालिक नहीं होते तो एंटरप्रिनरशिप में या बिजनेस में मैं पर्सनली ये कहूंगी हम यहाँ पे अपनी मर्जी के मालिक हैं और अगर हम यहाँ पे काम करना चाहें मुझे दस घंटे वैसे तो देखिए एक बिजनेस मैन की या एक, एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी ज्यादा टफ होती है क्योंकि वहां पे उसको प्रोडक्शन भी खुद देखना है मार्केटिंग भी खुद करनी है पर साथ में मैं ये कहूँगी कि यहां मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं मुझे जो काम जैसे करना है मैं वैसे करूंगी मुझे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है मेरा कोई बॉस नहीं है मैं खुद की बॉस हूँ और मुझे लगता है कि जितना मैं एक नौकरी में कमाती हूँ उससे तो बहुत ज़्यादा मैं ऑलरेडी कमा रही हूँ तो मैं अपने काम को लेकर बहुत खुश हूँ और एक फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे मिली है और मैं खुश इस चीज़ को लेकर हूँ कि मैं अपने मन की मालिक हूँ जब जो जैसे मुझे करना होता है वैसे मैं करती हूँ आप अपने आसपास की जो भी दुनिया है उसको देखें समझें कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम भी बिजनेस में कन्वर्ट हो सकती है सिर्फ बिजनेस नहीं आप उसे स्टार्टअप कहें एंटरप्रेन्योरशिप कहें तो आप किसी भी चीज़ से बिजनेस ढूंढ सकते हैं किसी भी चीज़ से पैसे कमा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे आप मेरा ही इग्जाम्पल ले लीजिए जब मैंने इस काम को शुरू किया ना तो मुझे पता था मैं क्या करूँगी या फिर मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस काम को बहुत लंबे समय तक कर पाऊंगी या नहीं पर मैंने डेडिकेशन से उस काम को किया और मेरी लाइफ में जो पहले स्ट्रगल्स थे मैं ट्यूशनस भी पढ़ाया करती थी मैंने सरकारी नौकरी की भी तैयारी की तो मैं अपनी लाइफ में जितने एक्सपेरिमेंट हो सकते थे सब मैंने किए पर अल्टीमेटली जब भगवान ने मुझे वर्मी कंपोस्ट के रूप में ये ब्लैक गोल्ड दिया तो मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरी जो सिचुएशन जो पढ़ने के बाद में अगर मैं इंजीनियरिंग करती या मैं कहीं नौकरी करती तो उससे तो आज मैं बहुत आगे हूँ वर्मी कॉम्पोस्ट अपने आप में एक बहुत अच्छा बिजनेस सोर्स है आप भी चाहें जिसको ये काम शुरू करना हो तो कर सकते हैं तो साथ ही उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना भाई कोई भी डाउट हो कुछ भी सवाल है कुछ भी सजेशन है हमारे लिए तो कमेंट्स में लिख देना हम सारे कमेंट्स पढ़ते जरूर है अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हो तो यार वो सपोर्ट दिखाओ सब्सक्राइब नहीं है तो भाई करो सब्सक्राइब साथ में बेल की ये घंटी भी दबा दो ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे जाए आज के लिए इतना ही ख्याल रखिएगा जय हिंद जय जवान जय जै किसान राम राम